जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र स्थित टाटा स्टील के कर्मचारी फ्लैट KF2 के पार्किंग में शुक्रवार देर रात भीषण आगजनी की घटना में 11 बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। वहीं घटना के बाद कॉलोनी के लोग दहशत में हैं, वहीं टाटा वर्कर्स यूनियन के अधिकारी गुस्से में हैं। बताया जाता है कि शुक्रवार देर रात अचानक से KF2 फ्लैट के पार्किंग में आग लग गई और देखते ही देखते पार्किंग में खड़े कर्मचारियों की बाइक पूरी तरह से स्वाहा हो गई। वहीं आग की सूचना मिलते ही टाटा स्टील के दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि 29 फरवरी 2016 को भी इसी फ्लैट के पार्किंग में आगजनी की घटना हुई थी। उस दौरान भी कई गाड़ियां खाक हुई थी। कर्मियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कॉलोनी में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगते देख कॉलोनी के मेन गेट में ताला लगा दिया गया था। बताया जाता है कि आए दिन शरारती तत्वों द्वारा कॉलोनी में मारपीट और नशे का सेवन खुलेआम किया जाता था। इसको देखते हुए कॉलोनी के मेन गेट में ताला लगाया गया था। वहीं इस घटना के बाद कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आज सुबह कदमा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। KF2 फ्लैट धारी द्वारा रात्रि में आग लगने की सूचना दी गई थी, जिसे दमकल द्वारा बुझाया गया और शॉर्ट सर्किट एवं अन्य बिंदुओं की जाँच की जा रही है। शरारती तत्व और शॉर्ट सर्किट में किस तरह से उसमें आग लगी है, इस बिंदु पे जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कर पाना संभव है। स्थानीय द्वारा 10 गाड़ी के बारे में बताया गया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आग कैसे लगी। वैसे पुलिस शॉर्ट सर्किट और उपद्रवी तत्वों द्वारा आग लगाए जाने के बिंदुओं पर जांच किए जाने की बात कर रही है। वैसे वैश्विक संकट के इस दौर में निश्चित तौर पर पुलिस के सामने इस अग्निकांड का खुलासा करना बड़ी चुनौती होगी। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत दिनों से इधर बाहरी अनुप्रवेश बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हम लोगों ने एकजुट होकर उसका विरोध करना शुरू किया। तो वो जो विरोध है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो क्योंकि अच्छा नहीं लगा तो उन लोगों ने रिटेलिएट करना शुरू किया। कुछ दिन पहले इधर मारपीट भी हुआ था और एग्जैक्टली एक महीने बाद क्या हो रहा है, हम लोग कल सोए हुए हैं तो तुरंत कॉल आया। जैसे हम उठ गए और देख रहे हैं घर पूरा धुआं है, काला काला धुआं और टायर का महक आ रहा। तो हम कॉल उठो रिसीव किए और दो जो मेरे पड़ोसी थे वो बोले कि आप कहाँ हैं। हम बोले कि रूम में। अरे ऊपर क्या करें, आप नीचे आइए। ना क्या हो गया, बोला कि गैरेज जला दिया कोई, ठीक है ना। तो हम जैसे मतलब शर्ट पैंट पहन के जैसे हम बाहर निकले, इतना धुआं था, इतना गर्मी था, हम नीचे तक नहीं जा पाए। हम ऊपर गए, छत में कुछ देर रहे, वो फायर ब्रिगेड आया था, वो पहले आग को बुझाया। फिर उसके बाद मामला थोड़ा सा ठीक होने के बाद हम नीचे आए, देखे पूरा मतलब गाड़ी लगभग हम लोगों का 11 गाड़ी पूरा एकदम जल चुका है। और वही चीज़ हुआ, आई थिंक 2016 में, दैट टाइम आई वाज नॉट देयर, बट 29 फरवरी को ये वाला घटना घटा था और सेम जगह में और सेम गैरेज में। देखिए एग्जैक्टली हम लोग किसी का नाम तो नहीं, क्योंकि उस समय रात को 12:30 बजे ये चीज़ हुआ तो कोई देखा नहीं था। तो होंगे जो हम लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट है, इधर आके अड्डाबाजी करना, दारू गांजा वही वो सब करना।